सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड आफ्टरनून मेरे लिए है, गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए है। भाई कल रात का दिन जो था ना, बड़ा ही हेक्टिक था। वो बहुत लंबा डे हो गया था, एकदम बाहर भी चला गया था इतने टाइम बाद, और उसके बाद ये सोया भी नहीं था। चलो अभी उठ गया हूँ, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर में, ठीक है। शाम को दिखाता हूँ ये कर क्या रहा है। अभी तो खैर इसकी मालिश वालिश या जो भी है, आज इसका जो डे था, मालिश का डे था या स्पॉन्ज का, वो हो चुका है और अभी ये फाइनली सो रहा है। तो ठीक है, वही पहला काम, उठते ही भाई सबसे पहले चाय के लिए अरदास की जाती है। तो सबसे पहले चाय के लिए अरदास करता हूँ, चाय बन जाएगी, अभी चाय पियेंगे, उसके बाद अपना डे स्टार्ट करेंगे। बढ़िया सा, अरे आज तो काजल लगा लिया। जैसे कि कल हमने इसका काजल बनाया था, तो आज हमने इसको काजल लगाया है, तो हमें भी देख के थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है ये। और इसका आंटी ने काजल लगाया और इसको आधा घंटा मेरे को साफ करने में लग गया। इसकी पूरा यहाँ पे माथे पे पूरा ये काजलू भाई हो गया था। अरे कैसी लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। या अभी इसके बाल गीले हैं ना, अभी बाल भी सूखेंगे ना, आंखें खोलेगा ना तब पता चलेगा हमें इसलिए। हाँ, क्योंकि ये यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा काला हो गया। वैसे आंटी कह रही है कि उड़ जाता है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। हाँ, अपने आप में आंखें भी जाएंगी। अच्छा, तो देखते हैं। काजल जरूरी क्यों होता है वैसे बच्चे का लगाना? इसलिए जरूरी होता है, तो नजर नहीं लगती थोड़ी सी, और आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। अब उठाए इधर को, है भी पूरी। ओए अपने आप ही खोल रहा हूँ आके, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। गुस्सा दिखा रहा है वो। किस बात का गुस्सा? मालिश के बाद मेरे को क्यों उठा रहे हो? मालिश के बाद मेरा सोने का टाइम होता है। चलो भाई आप सो, आराम मेरे को तभी मिलता है। आप सो जाओ, बाद में बात करेंगे आपसे जब उठोगे। और मुझे पता नहीं क्यों इंटेंशन आ रही है आज ये जल्दी उठेगा। ऑलमोस्ट 3:30 होने वाले हैं यार। ठीक दे दो, ये दे दो, ये वाली समोसा मट्ठी। क्या खाया जा रहा है आज, क्या है लंच में आपके? आज है तोरी। अच्छा, कर्ड। कर्ड मैं बिल्कुल ताजी जो फ्रेश चुनते हैं वही लेती हूँ, और ये हमारी कल थोड़ी सी दाल बच गई थी तो उसके डाल के पराठे। भाई आज बच्चा हमारा सुरमा भोपाली बन गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे एक चीज, मैंने इसको यहाँ सुलाया था, ये देखो देख रहे हो, पूरा पिलो पार करके ये यहाँ आ गया है। अब इन्हें सोने दो यार, अभी से इतना तो घूम रहा है यहाँ से तो यहाँ आ गया। कल को तू जब चलने लगेगा तू तो हमारे बीच में सोएगा ही नहीं। हंसी 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 भाई। वैसे ये मैच बॉक्स तो पता ही होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता, बच्चे के हमेशा पिल्लों के पास या तो मैच बॉक्स या चाकू कुछ ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत डरते हैं और ये शैतान तो बहुत ज़्यादा डरता है। पैर निकाल लिए फिर से बाहर, इसका मतलब उठने का टाइम हो गया इसके। आज इसका नाम फाइनलाइज कर देंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें आपको इसका फाइनल नेम मिल जाएगा, और अब बेबी की जगह मैं इसका नेम यूज करके व्लॉग डालूंगा। फोटो नहीं खींचे आज, फोटो ठीक नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी आंखें आ रही है इसकी आज। जिन्हें मर्जी खोल ला आंखा, आज तेरी आंखा काली हैं, आज तू गोरा नहीं लग रहा, आज तू गोरा नहीं लग रहा, आज तू खोल के दिखा या ना दिखा, आज दोपहर तू बढ़िया गलां कितिया, तू लिपट ला लिपटा ला ठंड है, आकड़ के ना दिखा, हनुमान नहीं बनना, हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंसी दिखा, आंखें तो खोल नहीं रही तेरी, अखा तेरे सुरमा प्रसाद ना, मैं तेन बनाता बंदर की बंदा है तू यार, ऊपर क्यों थोड़े नवे नवे पा के बह जाएगा, थले थाले निकल नहीं पाता, निकल तो पा जामी पजामी निकल नुकर पाया कर, वो फोटो ये हूँ कर की रहे हैं, तू इतने कुछ करते नहीं रहा गड़बड़, जे तू मुँह च पाया ना हाथ तो देख, मैं तेरे हाथ तो बांध देना, तेरे बांध के खाना ना, तेन खोखी लगने हूँ ठीक है, तू तेन पता कहते कहना पता है अखी जो भाई। अभी गेस्ट आने वाले, ये मेरे को दे दिया, यहाँ इसका व्लॉग चल रहा है मम्मा के फोन में उसकी। और रुको रुको, चलो 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 चलो, अरे यार रुक जा। हाँ जी, बड़ी गंभीर समस्या में लग रहे हो, मुझे लग रहा है प्रेशर बना रहे हो आप, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन से आ रही है। लोग वेट कर रहे हैं गेस्ट का, और गेस्ट आने वाले हैं, भूख लग रही है, जल्दी से आए वो। गेस्ट के आने से पहले चीज़ें आपको थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है, और हमें हाथ मारने की इजाज़त नहीं होती उन चीज़ों में। इसकी बुआ, ये इसकी मम्मी, ये दादी, ये भी दादी, दादाजी, और ये जीजू, फूफा जी, मेरे जीजू और वह फूफा, बच्चे के फूफा जी, और ये शैतान दादाजी। टोपी कहाँ है इसकी? ये टोपी यार, टोपी कहाँ जा रहा है वो?
टोपी छोटी है। थोड़ा सा पापा ये कंबल उसके मुंह से उधर को कर दो थोड़ा। मुंह तो क्यों ना अभी काम ना ठंडे टाइम में भंसा को करना। टोपी तो उत्तर तो बोल रही है ना। टोपी फिर है। तेरे दादा वो सितान है पुत्र, वो सितान है दादा ना। दादा भी कह रहे मैं छोटा काका बन जाऊंगा है ना। काजल अब नहीं लगवाना है। काजल लगाना ही नहीं है। इसको गोदी में गोदी तो वैसी पसंद है इसको। गोदी में तो कभी ना रोई है। तो भाई या तो अब ये पूरी रात हम बहुत चैन की नींद सोएंगे ये जितना खिला रहे हैं इसको गोदी में, या फिर हम बुरे फंसने वाले हैं आज, क्योंकि ये इसको अभी ये सो रहा है अभी मस्ती करेगा उसके बाद ये हाँ गोदी की आदत डाल दी और ये उठेगा तो हमें नहीं सोने देगा। मजा आ रहे हैं आज जा रहे। तू क्या कर रही है भाई? तेरा क्या आइटम है? अच्छा चिकन वाले आइटम तूने पकड़ रखे हैं। मम्मी तो ऐसे ही करती है, नॉनवेज हल्का सा भी अगर फ्रिज में आ जाए ना, मतलब जो उनकी पसंद का ना हो वो क्या। अच्छा उनमें भी ना टर्म्स एंड कंडीशन है मम्मी की। मम्मी कहती है अगर बना हुआ आता है तो वो फ्रिज में रखने देगी, और फ्रेश लेके आएंगे ना वो फ्रिज में नहीं रखने देगी, तो फिर उस चक्कर में पूरा फ्रिज खाली होगा। कभी कुकर की सीटियाँ, कभी ये और कभी ये तेल की, वो करती रहती हैं बस। हमारे घर में यही चलता रहता है। पूरा खिलौना बना रखा है मैंने तो। काजल लगा के ना अच्छा लग रहा है ना आँखों में। ये बहुत ज्यादा अभी तो हटा दिया, अब नहीं लगाना है इसका। मानिस वाली ने इतना क्यों उल्ले। ये अभी बाहर चल रहा है डिनर, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके साथ रुकूं, क्योंकि हीरो सो गया है और अब उठ नहीं रहा खेलने के लिए भी किसी के साथ। मुट्ठी बंद कर रहा है आराम से, वो अंगूठा दे। ये हाथ ही तो नहीं पकड़ सकते इसको, तो कपड़े नहीं बना पाते हम। अरे मुट्ठी पूरी पकड़। हाँ मुट्ठी बंद कर मारना, अभी पता ही नहीं चल रहा उसे। अभी लाते भी बाहर होती नहीं तो अभी जगह होता ना वो। हाँ अभी उठेगा 12:30 एग्जैक्ट। इसको चक्कर खत्म। फोटो खींचने से पहले की तैयारी। तो इसका नामकरण कर देते हैं यहीं पे, इसका श्रेयांश मैं मार दूंगा अगर गलत निकाला ना आपको। हम फिक्स हो गया इसका श्रेयांश, श्रेयांश है आज से। ना कोई सुमित, ना कोई लड्डू, ना कोई फड्डू, ऐसे कान में बोल देना श्रेयांश। तो आज से इसका नाम है श्रेयांश, हो गया नामकरण इसका। बाय बाय कर देते हैं हम इन सबको। अब बर्तन दूंगा मैं अकेला। नहीं मैं गर्म पानी से कर रही हूँ। अरे छोड़ो मैं कर दूंगा। चिकन के भी तो बर्तन है, तो क्या हो गया बहुत है तो। कैसे धोएगा ये? मैंने गर्म पानी करा ना, फिर तू धो। बर्तन धोने की ट्रेनिंग, थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे फटाफट एकदम। सुपर टास्क, कभी मेरे को अच्छे लगते थे बर्तन धोने, लेकिन आज करके तो यार ऐसे मुंह को बिना मैं अपने आप ही दे देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ही हो जाते हैं ना। ऑल टास्क डन, फाइनली वो डन हो गया। बता दूँ आपको, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पहली बार धो रहा हूँ। जब भी ऐसे कुछ होता है ना, जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं मम्मी को फ्री कर देती हूँ। अब अपना खाना डालेंगे, 5 मिनट दे दो, हाथ धो के आ रहा हूँ मैं। इतने सारे वैसे हाथ धुल गए भाई आज के लिए। अब फाइनली सबको जाने के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद अपन खाएंगे चिकन जो कि बनाया है सासू माँ ने और काके की नानी ने, जो कि बहुत ही बढ़िया है शक्ल से लग रहा है। और ये नान है अपने, बटर नान। चलो जी भूख लग रही है, खाऊंगा उसके बाद ब्लॉग एडिट करूंगा आप लोगों का। इसको देखो इसने क्या किया, इतने सारे गेस्ट आए ठीक है, और 3-4-5 घंटे रहे वो, लेकिन इसने आँख नहीं खोली। और जैसे ही लास्ट गेस्ट वो गेट से गए, वैसे ही तुरंत इसकी रोने की आवाज आ गई। और अभी देख लो कैसे सो रहा है ये, देखो अभी फिर से सो रहा है, नैप ले रहा है ये। मतलब ये ऐसे सो रहे भाई साहब, वो सो नहीं रहे हैं। अच्छा ये नैप ले रहे हैं। हाँ ये 20-25 मिनट्स का नैप होता है। हाँ ये एकदम से, और बस ये ऐसे ही इसकी गोदी में सोता रहता है। हाँ, अगर जैसे ही मैंने इसको नीचे उतारा और वैसे ही ये करना शुरू, इसलिए मैंने पीछे 3 कुल्लू लगा के बैठी, चाय मंगा रही थी लेकिन चाय छोड़ दी। अब मैं कमल की बैंड बज रही हूँ। और भाई मैं भी ना आज थक गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना लॉन्ग डे है। बर्तन मांज के थोड़ी सी पीठ में दर्द तो होता है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी तो चलता ही है। सिंक नीचे भी है। अच्छा हाँ सिंक नीचे भी है। और भाई एक चीज़ और मैं छोटी सी क्लियर कर दूँ यार, ये है इतना है तो मेड क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, उसकी भी एक ना एक अलग स्टोरी है। हमारे घर में मेड क्यों नहीं है,
वो कभी किसी और दिन जरूर बताऊंगा मैं। समझ नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं गिरूं और मैं सो जाऊं। अब देखते हैं इसका क्या रहता है, अभी इसको उठा के जब मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा ये उठेगा या नहीं उठेगा, देखते हैं। अभी व्लॉग भी एडिट करना है, कल का व्लॉग भी एडिट नहीं करा। लेट्स सी, पौने दो ऑलरेडी हो चुके हैं, मम्मी भी अभी खाना खा रही है। मैंने और मम्मी ने सबसे लास्ट में खाया था खाना, बाकी जो भी था अच्छा डे रहा। और नामकरण इसका हो गया, इसका नाम है श्रेयांश। अब ये बेबी बेबी वाले टाइटल चेंज होके श्रेयांश श्रेयांश वाले हो जाएंगे, ठीक है। और घर के लिए आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो अच्छा नाम तो वो बता सकते हो, घर का हम वो इसका रख देंगे। नहीं तो इसको बेचारे को कोई डुग्गू, कोई लड्डू, कोई छोटू, कोई मुन्ना, कुछ भी बुलाता रहेगा। चलो अब इस रात में देखते हैं और क्या क्या बाकी। भाई अभी ये सो चुका है और मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। इस व्लॉग को यहीं करते हैं, आज 2:30 बजे हैं, शायद हमारी किस्मत अच्छी हम थोड़ी देर से हो सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।